बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय का एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पंजीयों की जांच की, इसके साथ ही सभी मामलों की समीक्षा भी की। समीक्षा के क्रम में सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराए जाने, नियमित रूप सभी अधीनस्थ थाने में दर्ज कांडों का पर्यवेक्षण करने और लंबित कांडों के निष्पादन के लिए सभी आईओ को प्रेरित किए जाने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसडीपीओ ने कहा कि सभी थाने में दर्ज हुए मामले का पर्यवेक्षण समय से करना सुनिश्चित करें और नियमित रूप से थाना क्षेत्र में गश्ती कराया जाना सुनिश्चित करें। जरूरत पड़ने पर खुद भी थाना पर पहुंचकर थाना अध्यक्षों व पुलिस अधिकारी और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहने और मामले के निष्पादन में एसएचओ को सहयोग देने का निर्देश दिया। साथ ही फरार आरोपितों और वारंटियों की धरपकड़ करने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, क्षेत्र के सभी सरकारी व महत्वपूर्ण संस्थानों की निगरानी सुनिश्चित कराते हुए अपराधियों पर नकेल कसने को प्रेरित करते रहें। एसडीपीओ ने कहा कि वरीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना आपकी भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने साफ सफाई और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हमेशा वर्दी पहने रहने को भी प्रेरित करने की बात कही। मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, रीडर धनंजय मिश्र सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। वहीं बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित पीएचसी परिसर में 5 दिवसीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। रविवार को वीडियो डॉक्टर रवि रंजन और पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंभुनाथ झा सहित अन्य अधिकारियों ने अपने हाथों से आधे दर्जन नवजात बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वीडियो ने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने पर ही सुरक्षा चक्र बना रह सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा निष्ठापूर्वक किए गए बेहतर कार्यों के फलस्वरूप ही आज हमारा देश पोलियो मुक्त होने की करीब पहुंच सका है। इस चक्र में भी सभी कर्मियों को पिछले सभी चक्र की तरह कर्मठता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्लस पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने की जरूरत है। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर झा और स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन ने बताया कि अभियान की सफलता को लेकर 11 मोबाइल टीम, 53 सुपरवाइजर, 22 ट्रांजिट टीम के अलावा 155 टीम को हाउस टू हाउस कार्य संपादन हेतु लगाया गया है और 5 ड्रॉपिंग प्वाइंट बनाया गया है। इसके अलावा अभियान की सफलता को लेकर 30 हाट और 18 ईंट भट्टा चयनित किए गए हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में 50,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर प्रधान लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ, बीसीएम सत्येंद्र प्रसाद, बीएमसी दिनेश कुमार सिंह, स्वास्थ्य प्रशिक्षक अरविंद कुमार चौधरी और देव भूषण कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एक फरार आरोपी व शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार की है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने थाना क्षेत्र के धनौजा गांव से दुष्कर्म मामले के एक फरार आरोपी मनोज दास को गिरफ्तार की है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 3 साल की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए धनौजा गाँव के एक अजय मंडल सहित अन्य के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने आरोपित पक्ष के दिलीप मंडल, मनोज दास सहित अन्य पर लगातार धमकी देने का भी आरोप लगाया था। उधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में वादी ने पहले एसडीपीओ से और फिर मधुबनी पहुंच पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी की गुहार लगाती रही, जहां एसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इधर पुलिस ने कांड के एक आरोपी मनोज दास को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई में थाना के एसआई बलवंत कुमार ने लोहिया चौक स्थित पान की एक गुमटी से एक बोतल नेपाली देसी शराब के साथ तस्कर लालू मुखिया को गिरफ्तार किया है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि दुष्कर्म कांड के गिरफ्तार आरोपी और पकड़े गए तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। सर, आज आप इंस्पेक्टर ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बताइए क्या सब देखे? इसमें निरीक्षण है, इसमें जो अभिलेख, खासकर अभिलेख का अध्ययन किया जाता है, जो बचे हैं, जो कुछ कमी रह जाती है, हालांकि कमी नहीं है, इनके द्वारा काफी प्रयास किया गया आवेदन करने का, और वो कमी है उसमें निर्देश दिया जाता है। इनके अंचल में कुल 7 हैं, 6 जो जिसमें ओपी है, और उसमें क्या गतिविधि है, गश्ती का क्या है, सबके बारे में, शराब के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर व विधि व्यवस्था संबंधी बारे में निर्देश दिया जाता है कि जो कमी है, अरे कमी नहीं है लेकिन जो कमी है, ये बड़े पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है प्रत्येक कार्यालय का, उसी क्रम में कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और भवन का भी देखा जाता है क्या क्या कमी है, क्या क्या हम लोग मार्गदर्शन देते हैं और उसका पत्राचार किया जाएगा। कुछ निर्देश विर्देश भी दिया गया? निर्देश तो है कि जो बचा है अध्ययन नहीं अभिलेख किया गया, वो अभिलेख अध्ययन कर लें, कानून का निष्पादन गति लावें, गश्ती करावें
और अपराध नियंत्रण पर भी ठोस कदम जो होता है उनके द्वारा भी कराया जाता है, गश्ती भी कराया जाता है। ठीक, अच्छा है, पहल अच्छा है इनके द्वारा दिया गया, जेस में है, अच्छी सुपर पहलू है। ठीक, मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।